नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन जो न्यूट्रिशन मतलब आहार के अंदर जो चीज़ें अपनी बची हुई है ना, वह सारी कंप्लीट करके इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। जैसा कि अपन ने न्यूट्रिशन टॉपिक के अंदर सबसे पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, उसके बाद अपन ने प्रोटीन के बारे में, उसके बाद में फैट के बारे में, और उसके जस्ट बाद में पढ़ा था विटामिन के बारे में। सारा कुछ विटामिन के बारे में अपन ने जान लिया था। आज उसके बाद में जो लास्ट जो अपना टॉपिक बचेगा इसके अंदर, किस में? आहार में, न्यूट्रिशन में, वो क्या बचेगा? मिनरल्स मतलब खनिज लवण और जल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो आज का अपना टॉपिक क्या होगा, खनिज लवण और जल मतलब मिनरल्स साल्ट एंड वाटर। तो इन दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे आज की क्लास के बारे में, कि अपने शरीर के लिए कौन कौन से खनिज लवण होते हैं जो अपन खाने में लेते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, प्लस जल का हमारे शरीर के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? खनिज लवण के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो पहले पढ़ेंगे अपन खनिज लवण मतलब मिनरल्स, मिनरल्स साल्ट। खनिज लवण के बारे में पहली बात तो अपन करें ना, तो ये अपने शरीर के अंदर कुल होते कितने हैं? तो ये कुल होते हैं 20 से लेके 30 तक संख्या में। कितने में? 20 से लेके 30 तक होते हैं संख्या में। टोटल खनिज लवण अपने बॉडी के अंदर कितने होते हैं? तो 20 से लेके 30 होते हैं। कुछ बुक के अंदर 26 दिया हुआ मिलेगा, कुछ के अंदर 29 दिया हुआ मिलेगा। तो आपको एक कॉमन सी संख्या याद रखनी है कि इसकी रेंज होती है 20 से लेकर 30 तक खनिज लवण हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। पहली अगली बात, तो ये हमारे शरीर के क्या हैं? जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थ था। ये क्या है? अकार्बनिक पदार्थ हैं। क्या हैं? अकार्बनिक पदार्थ हमारे शरीर के क्या हैं? अकार्बनिक पदार्थ हैं। प्लस अगली जो चीज़ आती है ना इनके बारे में, वो क्या आती है कि यह हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं, ऊर्जा देने का काम नहीं करते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करते हैं, फैट करते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन मिनरल से हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती है। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं शरीर में, होते हैं कितने? 20 से लेके 30 होते हैं। अब अपन स्टेप बाय स्टेप, ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में? खनिज लवण या मिनरल्स के बारे में। अब अपन स्टेप बाय स्टेप कुछ जरूरी खनिज लवणों के बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा, क्या है? अकार्बनिक पदार्थ हैं, हमारे शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देते हैं। तो ऊर्जा नहीं देते हैं तो ये कार्य क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है शरीर की संरचना बनाने में। संरचना बनाने में मतलब जो अपनी बिल्डिंग है ना, बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर। जैसे अपने बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो हमारी क्या बनाते हैं? शरीर को क्या निर्माण में सहायक होते हैं। उसी प्रकार शरीर की संरचना बनाने में कौन हेल्प करते हैं? खनिज लवण हेल्प करते हैं। प्लस और क्या काम करेंगे? तो पाचन क्रिया के अंदर सहायक, पाचन क्रिया में सहायक। और क्या काम करेंगे? पाचन, डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे वसा, प्रोटीन, इनके ब्रेकडाउन में भी कौन हेल्प करते हैं? मिनरल्स हेल्प करते हैं। प्लस और क्या काम करते हैं? तो देखो मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक। संकुचन मतलब सिकुड़ना और फैलना। संकुचन में भी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। जैसे अपनी एक हृदय, जो अपने शरीर की जो मांसपेशियां हैं, हार्ट ऑर्गन है, अंग है, वो क्या रहता है? सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है। तो इस प्रकार से संकुचन में भी कौन हेल्प करते हैं? मिनरल्स हेल्प करते हैं। तो सिंपल सा अपन ने इंट्रोडक्शन जाना किसके बारे में? मिनरल्स के बारे में। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप अपन एक एक मिनरल्स के बारे में सीखते हैं। तो देखो सबसे पहला जो अपन पढ़ेंगे ना,
जो मोस्ट मोस्ट है ना एग्जाम की दृष्टि से वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से? तो देखो सबसे पहला पढ़ेंगे कैल्शियम। कौन सा? कैल्शियम। अब देखो कैल्शियम के बारे में एग्जाम की दृष्टि से जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है ना वो पढ़ते हैं। तो पहली चीज तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक एक की बात करें, इसके एलिमेंट की बात करें, अगर इसका जो परमाणु क्रमांक है ना वो कितना होता है? परमाणु क्रमांक कैल्शियम का होता है मेरे बच्चों कितना? 20, ठीक है। और ये किस ब्लॉक के अंदर आता है कैल्शियम? तो कैल्शियम अपनी आवर्त सारणी में आता है किस ब्लॉक के अंदर? एस ब्लॉक में। किस में? एस ब्लॉक में। परमाणु क्रमांक कितना? 20। और किस ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में आता है। अब देखो कैल्शियम हमारे शरीर के अंदर क्या है? खनिज लवण है, मतलब मिनरल्स है। तो ये कार्य क्या करेगा? कैल्शियम का कार्य क्या होता है? तो कैल्शियम का पहला काम तो आपको पता ही है, कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? अपनी हड्डियों में पाया जाता है, प्लस अपने जो टीथ होते हैं ना, दांत, बोन्स, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम कौन करते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। तो पहला कार्य तो कैल्शियम का क्या हो गया? अपने जो बोन्स होती है ना, मतलब हड्डियाँ होती है ना, उसके साथ टीथ होते हैं ना, दांत होते हैं ना, इनको क्या बनाता है? ये स्ट्रोंग बनाने का काम कौन करता है? कैल्शियम करता है, ठीक है। हड्डियों और दांत को मजबूत बनाने का काम करता है हमारे शरीर में कैल्शियम। प्लस दूसरा काम क्या करेगा? कैल्शियम हमारा ब्लड होता है ना, उसके क्लोट में भी सहायक होता है, मतलब उसका थक्का जमाने में भी क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है। प्लस और एक और काम अपन देखें कैल्शियम का, तो और क्या काम होगा? तो ये न्यूरल एक्टिविटी में भी सहायता करता है। न्यूरल एक्टिविटी मतलब तंत्रिका क्रिया। तंत्रिका क्रिया क्या होती है? जो तंत्रिका क्रिया का सिंपल सा मतलब है, हमारे शरीर में सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करते हैं मेरे बच्चों? तो न्यूरॉन्स करते हैं। न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की इकाई होती है। तो अपनी न्यूरल एक्टिविटी के अंदर भी कौन सहायक होता है? कैल्शियम। रक्त का थक्का जमाने में भी कौन सहायक? कैल्शियम। कैल्शियम किसको मजबूत बनाता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो ये कैल्शियम के कार्य हो गए, ठीक है। ये कैल्शियम के क्या हो गए? कार्य हो गए। अब देखो कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं? अगर अपन खाने के अंदर क्या क्या लें तो अपने को कैल्शियम मिलता रहे, तो सबसे अच्छा स्रोत तो है दूध, ठीक है। दूध के बाद में अंडा, ठीक है, मछली, सब्जियां, इन सब से क्या मिल सकता है हमें? कैल्शियम मिल सकता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम की कमी होने से मेरे बच्चों क्या होगा? कैल्शियम की कमी से जो अपनी हड्डियां हैं ना, बोन है, वो क्या पड़ जाएगी? कमज़ोर पड़ जाएगी, ठीक है। हड्डियां क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी। तो पहला जो अपना था ना मिनरल्स, वो सारा आपका कंप्लीट हो चुका होगा। जो बेसिक सी जानकारी आपको चाहिए थी एग्जाम की दृष्टि से, परमाणु क्रमांक 20 किस ब्लॉक में? एस ब्लॉक में। काम क्या करता है? हड्डियों को मजबूत बनाता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, न्यूरल एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कमी से क्या हो जाती है? हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। किस में पाया जाता है? दूध, अंडा, मछली और सब्जियाँ, ठीक है। अब अगले पे चलते हैं। कैल्शियम अपन ने पढ़ लिया, अब देखते हैं कॉपर। देखो सारे हैं ना मोस्ट मोस्ट, वो सारे अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो देखो कॉपर, कॉपर CU से इसको शो करते हैं, कॉपर। कैल्शियम के बारे में एक क्वेश्चन, देखो CaCO3 ये किसका फॉर्मूला है? कमेंट में बताओ CaCO3, ठीक है। कॉपर, कॉपर की जब अपन बात करते हैं ना बच्चों, तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है? तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, ठीक है। 29, 29 किसका परमाणु क्रमांक होता है? कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है। और कॉपर किस ब्लॉक के अंदर पाया जाता है? तो कॉपर पाया जाता है अपना किसके अंदर? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में
कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, कॉपर किस में? डी ब्लॉक के अंदर। अब कॉपर कार्य क्या करता है? कॉपर होता है ना, वो कार्य क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर हमें कॉपर ले लिया, कॉपर गया मिनरल्स के रूप में, लेकिन काम क्या करेगा? तो ये काम ये करता है कि जो अपनी स्किन होती है ना, त्वचा, स्किन को रंग तथा मजबूती प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। अब देखोगे, ये सोचोगे कि स्किन को रंग किस हिसाब से प्रदान करता है, क्या प्रोसेस होती होगी जिससे क्या मिलता है, स्किन को रंग प्रदान करता है कॉपर। तो सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कैसे भाई? तो देखो, हमारी जो स्किन होती है ना, जो त्वचा होती है, त्वचा के अंदर क्या पाया जाता है? एक वर्णक पाया जाता है। कौन सा? मेलानिन वर्णक या मिलानिन वर्णक, मेलानिन वर्णक। इस वर्णक का काम क्या होता है? तो इस वर्णक का काम होता है त्वचा को रंग प्रदान करना, ठीक है। और एक प्रोटीन पाया जाता है हमारी स्किन में, कौन सा? कोलेजन प्रोटीन। कौन सा? कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन के बारे में एक क्वेश्चन कि हमारे शरीर के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन प्रोटीन है। तो कोलेजन प्रोटीन और मेलानिन वर्णक। और प्रोटीन क्या करते हैं? हमारे बॉडी के संरचनात्मक घटक होते हैं, मतलब हमारी बॉडी की संरचना का निर्माण करते हैं। तो इन दोनों के संश्लेषण, मतलब इन दोनों के निर्माण में हेल्पफुल कौन होता है? तो कॉपर होता है। तो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं? स्किन के लिए दो चीज़ों की जरूरत थी, और उनका निर्माण कौन, निर्माण में सहायता कौन कर रहा है? कॉपर कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि स्किन को रंग प्रदान करने में सहायक कौन है? कॉपर है। अब बात करते हैं कॉपर की कमी से होने वाला रोग। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कॉपर की कमी से, कॉपर की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप याद रखोगे विल्सन रोग, विल्सन डिजीज। अब विल्सन रोग क्या है? तो विल्सन रोग एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब आनुवंशिक रोग है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होते हैं कि जो रोगी होता है ना, उसके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, मानसिक शारीरिक रूप से वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। तो कॉपर से संबंधित बीमारी क्या हो गई अपनी? विल्सन रोग। अब इसके स्रोत कौन कौन से हैं, किस में ये पाया जाता है कॉपर? तो देखो, पत्तेदार सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियां, मतलब अपनी पालक हो गई, ठीक है, पत्ता गोभी हो गई, ठीक है, इन सब से अपने को क्या मिलता है? कॉपर मिलता रहता है। तो सिंपल सा कॉपर अपना कंप्लीट हो गया। कॉपर आप अच्छे से समझ चुके होंगे, कॉपर 29 डी ब्लॉक स्किन को रंग और मजबूती प्रदान करता है। क्यों करता है? क्योंकि एक मेलानिन वर्णक पाया जाता है अपनी स्किन पर, जो स्किन का रंग है ना, इसी के कारण है। एक कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारी शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब चलते हैं आगे। तो देखो, इसके बाद पढ़ेंगे किसके बारे में? क्लोरीन के बारे में। कॉपर का भी एक क्वेश्चन, पहले जो क्वेश्चन पूछा था ना कैल्शियम का, CaCO3, ये क्या है? तो ये फॉर्मूला है किसका? चूना का, मतलब जो लाइम होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका फॉर्मूला है ये चूना, CaCO3, ठीक है। अब कॉपर का एक क्वेश्चन नेक्स्ट, CuSO4 5H2O, ये किसका फॉर्मूला है बताओ? ये कॉपर से संबंधित क्वेश्चन है, CuSO4 5H2O। अब इससे पहले अपन पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन का आप जवाब दो, पहले वाले का मैंने बता दिया, जिनका सही है वो देख लो। अब कॉपर के बाद में क्लोरीन, कौन? क्लोरीन। तो देखो, क्लोरीन किस ब्लॉक में आता है? तो क्लोरीन आता है किस में? पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। क्लोरीन किस में आता है? पी ब्लॉक के अंदर आता है। प्लस क्लोरीन क्या कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर? तो ये कार्य करता है, सिंपल सा, कॉपर ने किसके लिए काम किया? अपनी स्किन के लिए काम किया। क्लोरीन किसके लिए काम करेगा? स्किन के थोड़े अंदर की तरफ जाओ और याद रखो अमाशय, हमारा जो अमाशय होता है ना मेरे बच्चों, अमाशय, अमाशय एक रस स्रावित करता है, कौन सा? जठर रस। और जठर रस में क्या निकलता है? HCl, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन निकलता है। ये क्या करता है? तो जो HCl होता है ना, HCl को बैलेंस करने का काम कौन करता है? तो क्लोरीन करता है, HCl को बैलेंस करने का काम,
बैलेंस करने का काम कौन करता है? क्लोरीन करता है हमारी बॉडी के अंदर। मतलब सिंपल सा मैं कहूँ क्लोरीन के बारे में एक पॉइंट, क्या करता है क्लोरीन? तो अम्ल तथा क्षार को कंट्रोल, हमारी बॉडी का एसिडिक होना और बेसीय होना, बेसीय होना, क्षारीय होना और अम्लीय होना, उस चीज़ को कंट्रोल कौन करेगा, उसको बैलेंस कौन रखेगा कि ना तो हमारी बॉडी अधिक अम्लीय हो और ना ही अधिक क्षारीय हो, उस चीज़ को बैलेंस करने का काम कौन करेगा? क्लोरीन करेगा। ठीक है, HCl को भी आ सकता है, HCl को बैलेंस करने का काम कौन करता है? क्लोरीन। और अम्ल और क्षार को कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है? क्लोरीन करता है। अब देखो, क्लोरीन की कमी हो गई तो कमी से क्या क्या चीज़ें सामने आएगी? तो देखो, अमाश्य की बात आती है ना, तो अमाश्य किसका किसका अंग है, किसका पार्ट है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब कहीं ना कहीं खाने से है और खाने से सीधे भूख पे चले जाओ, तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होंगे? भूख लगना, ठीक है, थकावट होना, चक्कर आना, ये सब किसकी कमी से होते हैं? क्लोरीन की कमी से होने वाले सिम्टम हैं, हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो क्लोरीन हो गया अपना, कैल्शियम हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? कॉपर हो गया। ये किसका फॉर्मूला है? CuSO4 × 5H2। तो याद रखना, नीला थोथा। क्या? नीला थोथा, ठीक है। अब एक क्लोरीन का भी क्वेश्चन बता देता हूँ लगे हाथ, इस सबके बताए हैं। तो ये कैल्शियम का हो गया, ये कॉपर का हो गया। क्लोरीन किस लिए काम आता है? तो क्लोरीन का एक बेसिक सा यूज होता है वाटर को प्योरीफाई करने में। वाटर प्योरीफाई के अंदर क्या यूज होता है? क्लोरीन यूज होता है। वाटर प्योरीफाई मतलब जो अपना जल होता है ना, जल को शुद्ध करने में किसका यूज किया जाता है? तो क्लोरीन का यूज किया जाता है। अब बड़े बड़े प्लांट देखोगे ना, ठीक है ना, जैसे टोंक के अंदर वहाँ पे प्लांट हैं जल के, बड़े बड़े टोडारायसिंग के अंदर बांध बना के, और फिर उस पानी को क्या किया जाता है? प्योर किया जाता है। और फिर उसको क्या किया जाता है? जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कोटा है, जयपुर है, यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। तो वहाँ पे आप प्लांट में जाके देखोगे ना, तो आप पाओगे कि क्या करते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं, और क्लोरीन से क्या किया जाता है? जल को शुद्ध किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है, क्लोरीन का उपयोग किस में किया जाता है? तो वाटर प्योरीफाई में किया जाता है। तो कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, इसके बाद में किसके बारे में पढ़ें? तो इसके बाद में जो अपना आएगा ना मेरे बच्चों, वो कौन सा आएगा? तो वो आएगा आयोडीन। तो देखो, आयोडीन, आयोडीन ये भी क्या है? हमारे शरीर के लिए क्या है? एक खनिज लवण है। आयोडीन की बात करें तो आयोडीन भी किस ब्लॉक के अंदर है? तो जिसमें क्लोरीन है ना, उसी के अंदर आयोडीन है। सबको एक लाइन याद होनी चाहिए, फिर कल बाहर आई आंटी, तो आई मतलब आयोडीन। तो आयोडीन भी किस ब्लॉक के अंदर है जो आवर्त सारणी में इधर ही इधर आता है? क्या? SP, D और F, ऐसे होते हैं ना। तो ये किस ब्लॉक के अंदर पाया जाता है आवर्त सारणी में? पी ब्लॉक के अंदर पाया जाता है। किस में? पी ब्लॉक में। और ये क्या कार्य करता है? तो इसका कार्य बड़ा आसान है समझना। कैसे? देखो, आयोडीन की कमी से आपने एक रोग सुना होगा, कौन सा? घेंगा रोग। घेंगा रोग, और इस घेंगा रोग का जिक्र एक जगह और मिलता है जब अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। कैसे? देखो, चीजों को जोड़ना सीखो। एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि जो एक हार्मोन छोड़ती है जिसका नाम क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन। इस थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है, थायराइड ग्रंथि वैसे तो दो हार्मोन छोड़ती है, एक तो कैल्सिटोनिन जो क्या करता है? कैल्शियम के स्तर को घटाता है, और एक क्या छोड़ा? थायरोक्सिन हार्मोन। ये थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से भी कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है। अब ये चीज मैंने यहां पे क्यों बताई? देखो, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग? घेंगा रोग। और आयोडीन की कमी से भी कौन सा रोग? घेंगा रोग। तो ऐसा होने का एक कारण है। क्या कारण है? तो देखो, जो अपना आयोडीन होता है ना, वो आयोडीन क्या करता है? तो उसका काम होता है, वो क्या करता है?
थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है, निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। सिंपल सी चीज, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेंगा रोग, ठीक है। घेंगा रोग के अंदर होता क्या है, व्यक्ति क्या हो जाता है, फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से कमजोर हो जाता है, ठीक है। इसको गलगंठ भी कहा जाता है। ये किस हार्मोन की कमी से होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन। और आयोडीन क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। इसलिए आयोडीन किस ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर। आयोडीन का कलर कैसा होता है, तो भूरा होता है, कैसा होता है, भूरा। और ये ठोस अवस्था के अंदर पाया जाता है। अब देखो इसके स्रोत कौन से होते हैं, तो आयोडीन के स्रोत एक सिंपल सा तो अपना हो गया नमक, साल्ट, और भी कोई नमकीन भोजन है तो सबके अंदर क्या पाया जाएगा, आयोडीन पाया जाएगा। एक सी फूड, सी फूड का मतलब जो समुद्री खाना होता है ना, समुद्री खाने का मतलब क्या है, समुद्र से प्राप्त होने वाली मछलियाँ। जब आप अभी थोड़े दिन पहले क्या आया था कि चीनी लोग कुछ भी खाते हैं, केकड़े वगैरह खा जाते हैं, ठीक है, मछलियाँ खा जाते हैं, घेंगे खा जाते हैं, ठीक है, तो वो सारे किस में आते हैं, समुद्री फूड, सी फूड के अंदर आते हैं, और सब में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। तो सिंपल सा अपना आयोडीन हो गया। आयोडीन किस हार्मोन के निर्माण में, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। चार हो गए, अगला कौन सा आएगा, तो अगला देखो, अगला अपन देखते हैं आयरन। आयरन मतलब Fe, ठीक है। Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 26 होता है, ठीक है। किस ब्लॉक में आता है, तो SpD ब्लॉक के अंदर आता है। देखो ऐसे चीजें याद होनी चाहिए आपको, कहीं पे भी खुद से अज्यूम कर सकते हो। जैसे आवर्त सारणी में है ना, पहले बड़ी मुश्किल होती थी मेरे को, लेकिन जब मैंने केमिस्ट्री रुचि लेके पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो हम मुझे सारी चीज़ें आराम से इजीली सेट हो गई। जैसे इधर एस ब्लॉक होता है, इधर पी होता है, इधर डी होता है, इधर एफ होता है, एफ में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, सारी चीज़ें आपको सिखा दूंगा, आप सब्र रखें। 26 होता है, डी ब्लॉक में पाया जाता है। अब कार्य क्या करता है, Fe यानी कि आयरन हमारे बॉडी के अंदर कार्य क्या करता है, तो ये कार्य करता है बच्चों ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक, ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक। अब कई सोचेंगे कैसे ऑक्सीजन के परिवहन के अंदर सहायक कैसे हुआ, तो देखो एक चीज समझो, आपने समझ रखी, आपके दिमाग में भी है लेकिन चीजों को जोड़ना नहीं आता है आपको। देखो हमारे शरीर में क्या है, ब्लड है, ब्लड में क्या है, ब्लड सेल है, RBC है, और ये RBC किसके साथ मिलती है, ये मिलती है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, किसके साथ मिलती है, हीमोग्लोबिन के साथ। और ये RBC हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। और हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है, लोह तत्व पाया जाता है, मतलब Fe पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं Fe किस में है, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन किसके साथ मिले, RBC, RBC किस में, ब्लड में, ब्लड हमारे शरीर में घूमेगा, और हमारे शरीर में इस प्रोसेस से क्या घूमेगी, ऑक्सीजन घूमेगी, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन घूमना स्टार्ट हो गई इस सारी प्रोसेस में, तो कहीं ना कहीं इस Fe का भी तो रोल है किसके अंदर, ऑक्सीजन के परिवहन के अंदर। तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन के परिवहन के अंदर सहायक कौन होता है, Fe होता है या लोहा होता है। इसके स्रोत कौन से होते हैं, तो इसके स्रोत पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट स्रोत तो क्या, पालक, हरी सब्जियां, ठीक है, अनाज, मेथी, ये सब क्या हैं, आयरन के स्रोत हैं। सिंपल सा, अब आयरन की कमी और अधिकता से दो रोग होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कमी से तो सबको पता है, RBC की कमी से होने वाली कौन सी बीमारी है, तो सबको पता है RBC की कमी से होने वाला रोग का नाम है एनीमिया। क्या है, एनीमिया। तो एक तरीके से आयरन की कमी से भी कौन सा रोग होता है, एनीमिया, क्योंकि ये चीज़ें आपस में जुड़ी होती है। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, लोहे तत्व है, हीमोग्लोबिन किसके साथ मिला, आरबीसी किस में है, ब्लड में। तो इन चारों की कमी, किसी की भी कमी दी हो, सबसे क्या होगा, एनीमिया होगा। लेकिन अधिकता से दो रोग होते हैं, कौन से, लोह तत्व की अधिकता से दो रोग होते हैं मेरे बच्चों। देखो इधर दिखाता हूं आपको कौन कौन से, चलो ऊपर देख लो, इधर अधिकता,
किसकी अधिकता? Fe, आयरन की अधिकता से होने वाले रोग। तो एक तो होता है सिड्रोसिस। सिड्रोसिस के अंदर क्या होता है? तो सिड्रोसिस जो बीमारी होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, हम जो सांस लेते हैं ना, सांस के अंदर क्या चला जाता है, सांस के द्वारा हमारे शरीर में अधिक मात्रा में क्या चला जाए, लोह तत्व चला जाए। कहीं आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे क्या होता है आयरन का काम होता है, मतलब लोहे का काम होता है, और वहाँ पे क्या होता है लोहे के छोटे छोटे रंध्र होते हैं ना, छोटे छोटे कण जैसे आसपास के वायुमंडल में है, और वो तुम्हारे किसके अंदर चले जाएंगे, श्वास के द्वारा शरीर में चले गए। तो कौन सी बीमारी हो गई? सिड्रोसिस। और एक बीमारी और होती है हेमेटोक्रोमेटोसिस। ये क्या है? तो हेमेटो वर्ड किस लिए आता है? देखो लीवर के लिए आता है, आप सभी को पता है। और हेमेटोक्रोमेटोसिस आगे सिस लगा, किससे संबंधित था? लोह तत्व से संबंधित था। तो कहीं ना कहीं ये बीमारी भी किससे संबंधित है? लोह से। और हेमेटो मतलब लीवर यानी कि यकृत। तो हेमेटोक्रोमेटोसिस क्या है? अपने यकृत के अंदर लोह तत्व का जमा हो जाना, लीवर के अंदर Fe का जमा हो जाना है, क्या है? हेमेटोक्रोमेटोसिस है। और इन दोनों बीमारियों के अंदर ही क्या हो जाएगा, हमारे शरीर के अंदर दर्द होना स्टार्ट होने लग जाएगा, और हमारे शरीर के अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोरियां आ जाएगी। तो सिंपल सा लोहे तत्व अपन ने जान लिया होगा, 26 परमाणु क्रमांक किस ब्लॉक में? डी ब्लॉक में। कार्य क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। किस प्रकार होता है? तो ये चारों चीज़ों आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई हुई। कमी से एनीमिया, अधिकता वाला याद रखना है। अब कमी वाला सारे कर देंगे, एनीमिया सबके दिमाग में रहेगा, लेकिन सिड्रोसिस नाम आ गया कंफ्यूज चित्त। तो आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, आपकी चीज़ें आसान होती चली जाएगी। अब छोटे छोटे बच्चे कौन कौन से, सोडियम हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, तो देखो एक साथ ही देख लेते हैं। पहले देखते हैं सोडियम। सोडियम मतलब Na, Na का परमाणु क्रमांक कितना? 11, ठीक है। हलीना ने कहा किस ब्लॉक के अंदर आता है? तो देखो S ब्लॉक के अंदर आता है। ये क्या काम करता है सोडियम? तो सोडियम कार्य करता है मेरे बच्चों किसके अंदर, एक तो मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, मांसपेशियों के संकुचन में सहायक, कौन? सोडियम। प्लस दूसरा क्या करता है, जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स के संचरण में सहायक, मतलब न्यूरॉन्स की ये हेल्प करता है, मतलब तंत्रिका क्रिया के अंदर सहायक, तंत्रिका क्रिया में सहायक। अगली चीज देखें, और किस चीज में सहायक होता है? तो दो अपनी हृदय की धड़कन होती है ना, उसको कंट्रोल करने में भी क्या करता है, ये हेल्पफुल होता है। तो हृदय धड़कन में सहायक, हृदय धड़कन में सहायक। तो तीन कार्य हो गए किसके, सोडियम के। परमाणु क्रमांक कितना? 11। किस ब्लॉक में आता है? एस ब्लॉक में आता है, ठीक है। सोडियम की कमी से क्या होगा? तो देखो तंत्रिका क्रिया मतलब न्यूरॉन्स हमारे शरीर के अंदर क्या नहीं करेंगे, सही से गति नहीं करेंगे, उससे क्या हो जाएगी, हमारे शरीर की जो मैसेज पहुंचाने की क्षमता है ना, वो कम हो जाएगी। जैसे न्यूरॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पे आपके सुई चुभोई, तो यहाँ से न्यूरॉन सिग्नल किसके पास ले जाएंगे, अपने ब्रेन के पास ले जाएंगे, और ब्रेन डायरेक्ट हमारे हाथ को मैसेज भेजेगा कि वहाँ से अपने को हाथ उठा लेना चाहिए। तो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगी, व्यक्ति के अंदर थकावट आ जाएगी। थकावट आने के साथ साथ क्या आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। ये सारे सिम्टम किसके होते हैं, सोडियम की कमी से होने वाली चीज़ें हैं। सोडियम के स्रोत कौन से हो गए? तो स्रोत हो गए हरी सब्जियां, अनाज, मांस, ये सब क्या हैं, इसके स्रोत हैं। तो अपन ने सोडियम देख लिया, कैल्शियम देख लिया, ठीक है, अपन ने देख लिया क्लोरीन देख लिया, लोह तत्व Fe देख लिया, ठीक है, सारी देख लिए। अब कुछ छोटे छोटे दो देख लो, ये सारे हो गए मोस्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है पी से फास्फोरस, पी मतलब फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ना मांगू आलसी पास्कल, 15, ठीक है, 15 होता है फास्फोरस का परमाणु क्रमांक। फास्फोरस क्या करता है? तो अपने जो बोन होते हैं, हड्डियों होता है, हड्डियों को क्या बनाता है, ये
मजबूत बनाता है, ये इसका काम होता है। क्या? फास्फोरस का काम होता है। फास्फोरस भी क्या है? हमारे शरीर के लिए खनिज लवण है। इसके स्रोत भी क्या होंगे? तो इसके स्रोत भी यही होंगे, हरी सब्जियाँ, ठीक है, अंडा, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके स्रोत हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो जाएगा? तो कमी से क्या हो जाएगा, जो अपनी बोन है ना, हड्डियाँ है ना, वो क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी मेरे बच्चों। तो आपने किसके बारे में जान लिया? फास्फोरस के बारे में जान लिया। और क्या बचा? तो एक पोटेशियम के बारे में भी जानकारी रखो कि पोटेशियम क्या करता है। तो पोटेशियम हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका क्रिया के अंदर हेल्प करता है, तंत्रिका क्रिया में हेल्पफुल। तो सिंपल सा सबके बारे में जान लिया। फास्फोरस से एक क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि किस फास्फोरस का उपयोग माचिस की तिल्लियाँ बनाने के अंदर किया जाता है, कमेंट में जवाब दो। तो इस हिसाब से जो भी अपन क्या लेते हैं, खनिज लवण लेते हैं ना 20 से 25, उनका हमारे शरीर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही काम करते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते। क्या काम करते हैं? हमारे शरीर को बनाने के अंदर काम करते हैं। अब बचा है क्या? एक छोटा सा 2 मिनट की जानकारी। किसके बारे में? जल के बारे में। ये भी अपने आहार का हिस्सा है ना मेरे बच्चों। तो देखो, पहली बात तो जल हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है, ऊर्जा नहीं देता है। तो जल कार्य क्या करता है? जल कार्य करता है क्या? एक तो अपशिष्ट पदार्थ, हमारी बॉडी के अंदर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, जिनका कोई काम नहीं है, ठीक है, तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक कौन होता है? बाहर निकालने में सहायक कौन होता है? जल होता है, ठीक है, पहला काम। दूसरा काम, पाचन क्रिया में हेल्पफुल। जो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस होती है ना, पाचन क्रिया, उसमें भी सहायता कौन करता है? जल करता है। अगली बात, पाचन क्रिया में सहायता कर दी, प्लस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक, प्लस हमारे शरीर के अंदर जो भी उपापचय की क्रिया होगी, मतलब जो भी मेटाबॉलिज्म, जो भी रासायनिक क्रियाएं होंगी ना, सबके अंदर हेल्प कौन करेगा? जल करेगा। जल हमको किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं देता है। जब हमारी बॉडी की बात करते हैं ना बच्चों, तो हमारे बॉडी का 60 से 70% भाग क्या है? जल है, ठीक है, 60 से 70% भाग क्या है? जल है। और आपको प्रतिदिन करीबन 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप एक स्वस्थ और अच्छा शरीर चाहते हो ना, तो 4 से 5 लीटर पानी का रोज सेवन करना चाहिए। आप पीते कितना? एक गिलास या आधा गिलास? पीते नहीं हो कई, तो पूरे पूरे दिन पानी नहीं पीते, बिना पानी पता नहीं कैसे रह लेते हैं। जबकि पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी अपने शरीर के अंदर बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे को सिखा रहा है, हमारे इस बॉडी के अंदर उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। अगर आप नहीं पियोगे तो आपको कौन सी दिक्कत आ जाएगी? तो आपको दिक्कत आ जाएगी निर्जलीकरण की, ठीक है, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। और निर्जलीकरण के अंदर होता क्या है? तो व्यक्ति को उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, दस्त लगना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी दिक्कतों से आपको गुजरना पड़ेगा अगर आप पानी को कम मात्रा में पियोगे। तो आपको 4 से 5 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। तो देखो मेरे बच्चों, इस जो टॉपिक था ना, न्यूट्रिशन टॉपिक, अगर आप पीछे की क्लासों को कंटिन्यू देखोगे ना, तो आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है और एक स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ा है। जो अपना आहार था ना, आहार में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन ने कुछ भी नहीं छोड़ा, जितनी भी जानकारी थी ना सारी पढ़ ली, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था। अगला क्या पढ़ा था? प्रोटीन पढ़ा था, तो प्रोटीन के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया था। अगला क्या पढ़ा था? वसा पढ़ा था, मतलब फैट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। अगला क्या पढ़ा था? विटामिन, विटामिन के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। जो जो हमारे शरीर के लिए आहार के अंदर आते हैं ना, सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली थी। और किसके बारे में पढ़ लिया था? अब आज अपन ने पढ़ लिया किसके बारे में? खनिज लवण के बारे में, प्लस किसके बारे में पढ़ा? जल के बारे में पढ़ा। तो यही बेसिक से आहार होते हैं हमारे शरीर के लिए, जो कुछ ऊर्जा देने का काम करते हैं और कुछ क्या काम करते हैं, हमारे शरीर के निर्माण के अंदर सहायक होते हैं। तो अपन ने बहुत अच्छे से ये टॉपिक कंप्लीट किया है आहार का। हमारे यहाँ पे 2 टॉपिक हो चुके हैं बायोलॉजी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम
और न्यूट्रिशन, जल्दी इनके जो MCQ होते हैं, मतलब वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनकी मैं अलग से PDF लेके आऊँगा। आप पीछे के टॉपिक को एक बार एक साथ सारी क्लासों को देख कर क्या कर लें, रिवाइज कर लें। और अगर आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्सों को पढ़ें, उसके बाद आपको पता लगेगा कि आपने कितना कुछ गेन कर लिया है। और वीडियो को अपने साथियों को भेजा करो, जिससे हमारा मनोबल और बना रहे। अगला अपन अगले टॉपिक के अंदर बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं, और मैं भी शायद केमिस्ट्री की क्लास लूँ अब, क्योंकि कुछ बच्चों का फ़ोन आ रहा है केमिस्ट्री के लिए। तो आज की क्लास में अपन ने ये जो टॉपिक था आहार का सारा कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेरी क्लासों का आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपका जो भी रेस्पॉन्स है ना, मतलब क्लास को देख के जो भी आपको फील होता है, तो वो कमेंट कर दिया करो, उससे हमें पता लगता रहे कि आप रियल में देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब किया करो और करवाया भी करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।